में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे हेल्दी और टेस्टी मखाने की खीर। इसे हम जब चाहे बनाकर खा सकते हैं और इसे व्रत में भी बनाकर हम खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने 1 कप भर करके ये मखाना ले लिया है, ये लोटस सीड्स है। तो सबसे पहले इसे हमें फ्राई करना है। रवासवी की इंग्लिश रेसिपी को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। तो हमने गैस पर पैन रख दिया है, गैस को मैंने ऑन कर दिया है। तो अब हम इसके अंदर घी डाल देंगे, 2 छोटा चम्मच घी इसके अंदर हम डाल देंगे, इसे मेल्ट होने देंगे। तो इधर घी हमारा मेल्ट हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर मखाना डाल देंगे। आज को हमने मीडियम स्लो पर किया है, धीमा से थोड़ा सा तेज हमने किया है। मीडियम आंच पर इसे हम नहीं भूनेंगे क्योंकि हमें इसे जलने नहीं देना है, बराबर चलाते हुए क्रिस्पी होने तक, हल्का सा ब्राउन होने तक भूनना है। तो इधर मखाना हमारा भून रहा है और इधर मैंने दूसरे बर्नर पर दूध उबलने के लिए रख दिया है। तो हमने 1/2 लीटर दूध उबलने के लिए रख दिया है, ये फुल क्रीम दूध है, आप देख सकते हैं दूध हमारा उबलने लगा है। तो जब तक मखाना हमारा भुनेगा ये दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, तो इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और इधर मखाने को भी हम भूनते रहेंगे। बराबर चलाते हुए हमें इसे भूनना है जिससे ये जले ना। तो इधर दूध को भी हम चेक करते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं दूध को हमने 5 मिनट तक उबाल लिया है और दूध हमारा काफी गाढ़ा भी हो चुका है, ये किनारे से आप देख सकते हैं दूध कम हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे खोया, जिसे हम मावा भी कहते हैं। इससे खीर बहुत टेस्टी हो जाती है खाने में। तो मैंने इस चम्मच से 4 चम्मच ले लिया है, करीब 50 ग्राम हमने खोया ले लिया है और इसे हम इसके अंदर डाल देंगे। खोया को मैंने हल्का सा भून लिया था, हल्का सा ब्राउन हो चुका है, आपने देखा होगा। तो मैंने इसे भून कर हल्का सा ब्राउन कर लिया है, कच्चा नहीं है। इसे हम मिला देंगे और इसे उबलने देंगे और इधर मखाने को भी हम चेक करते रहेंगे। तो ये मखाना हमारा भून चुका है, तो हम एक मखाने को इस तरह उठाएंगे और इसे तोड़ करके देखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से टूट रहे हैं और ये क्रिस्पी हो गया है। तो बस, और इसे हमें नहीं भूनना है, हम आज को बंद कर देंगे, गैस को बंद कर देंगे। इधर दूध को भी अच्छी तरीके से हम चला देंगे और इसके अंदर हम डालेंगे शक्कर। तो मीठा आप अपने पसंद से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर शक्कर डालेंगे, तो 4 चम्मच शक्कर इसके अंदर हम डाल देंगे और इसे भी मेल्ट होने देंगे। तो अच्छी तरीके से इसे मिला देंगे, चीनी हमारी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगी, गल जाएगी। और इधर जो हमारा मखाना है ये भी भून चुका है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मखाना हम इस तरीके से इसे तोड़ लेंगे, थोड़ा सा खड़ा रहने देंगे और थोड़ा सा तोड़ लेंगे, 3-4 टुकड़े में इसे तोड़ लेंगे। तो दूध हमारा अच्छी तरीके से गाढ़ा हो गया है और आप देख सकते हैं इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है, इसमें से अच्छी खुशबू भी आने लगी है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट। तो हमने काजू, बादाम और पिस्ता लिया है और मैंने इसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और हमने सूखा नारियल भी कद्दूकस कर लिया है। तो इसे हम इसके अंदर डाल देंगे, कम या ज्यादा कर सकते हैं आप अपनी पसंद से। और हमने लिया है 5 से 6 इलायची, इसे पीस कर मैंने इसका पाउडर बना लिया है, इसे भी डाल देंगे खुशबू के लिए, इसे मिला देंगे। और इसके अंदर ये मखाना डालेंगे, मैंने मखाने आधे तोड़ लिए हैं और आधा मैंने खड़ा ही रखा है, इसे भी डाल देंगे। इसे 2 मिनट तक उबलने देंगे मीडियम आंच पर। तो खीर हमारी गाढ़ी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो हम मखाना को चेक कर लेते हैं और इसे काट करके देखेंगे। तो मखाना हमारा एकदम मुलायम हो चुका है, तो इसे थोड़ी देर हम और पका लेंगे। और इसके अंदर हम डालेंगे केसर, 1 चम्मच दूध में हमने 1 चुटकी केसर को भिगा करके रख दिया है, इसे हम डाल देंगे। इससे खीर हमारी हेल्दी भी होगी और टेस्टी भी होगी, देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। इसे हम मिला लेते हैं और थोड़ी देर के लिए इसे हम और पका लेंगे। तो 1 मिनट तक मैंने इसे और पका लिया है, तो ये खीर हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे, इसे और ज्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। ये बाहर रखने के बाद, ठंडा होने के बाद थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी, तो इसे हम बाउल में निकालते हैं। तो आप इसे चाहे गर्मा गर्म खाइए या फिर ठंडा करने के बाद खाइए, ये दोनों तरीके से खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बहुत हेल्दी भी होती है। आप इसे जब चाहे बनाकर खा सकते हैं, व्रत में खा सकते हैं और या फिर आपकी जब भी इच्छा हो आप बनाकर खा सकते हैं, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है।
तो ऊपर से केसर से गार्निश कर देते हैं और हमारी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मखाने की खीर बनकर तैयार हो गई है। तो एक बार इसे आप जरूर ट्राई करिएगा, आपको जरूर पसंद आएगी। तो इस तरीके से आप मखाने और खोए की खीर बनाइए, खाइए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी ये खीर कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।